अडानी एक तरह से ब्रह्मास्त्र बनकर आया और वो आदमी समझिए अपना अपना पैसा वो मान रहा है कि हम त्याग देंगे। अडानी ने पहले 25% बिजली बंद की थी, अब बताते हैं आधी बिजली बंद कर दी है, बांग्लादेश की सप्लाई आधी कर दी है, क्योंकि वो अडानी की कंपनी सही जाती तो अभी उसका करीब करीब समझिए 700-800 मिलियन डॉलर वहां पे बकाया है। कि अगर मान लीजिए इंडिया ने बिजली देनी बंद कर दी तो बांग्लादेश कहीं और से ले भी नहीं सकता, तो अमेरिका नहीं अमेरिका का बाप भी अगर आ जाए तो भी बांग्लादेश का भला नहीं होगा, वो एक तरह से गुलाम होगा बिजली के मामले में। सर हमने देखा देश के अंदर तो जलवा, अभी आपने योगी वाला बताया, और प्रधानमंत्री भारत को लेकर के एक अभी एक नया नैरेटिव हमने चलाया कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उस सत्ता परिवर्तन को लेकर के कि भारत में भी ऐसा होगा, नरेंद्र मोदी को इसी ढंग से स्थिति की जाएगी। बांग्लादेश ने जो गलती कर दी उसके उसे पाकिस्तान से भी बदतर भुखमंगी की स्थिति हो गई है, और दूसरी तरफ ट्रूडो ने जो मोदी से पंगा लेने का खेल किया था तबाही आ गई उसकी। पहले मनीष जी बांग्लादेश पे हम लोग बात करते हैं कि बांग्लादेश भी जरा अपने घर से ही हम लोग शुरुआत करें, और वो आदमी जिसको राहुल गांधी पिछले 3-4 साल से लगातार पानी पी पी के गाली बक रहा है, खुलेआम गाली बक रहा है, और उस आदमी की सारी संपत्ति छीन लेने की बात कर रहा है, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। वो अडानी एक तरह से ब्रह्मास्त्र बनकर आया है और वो आदमी समझिए अपना अपना पैसा वो मान रहा है कि हम त्याग देंगे। अडानी ने पहले 25% बिजली बंद की थी, अब बताते हैं आधी बिजली बंद कर दी है, बांग्लादेश की सप्लाई आधी कर दी है, क्योंकि वो अडानी की कंपनी सही जाती तो अभी उसका करीब करीब समझिए 700-800 मिलियन डॉलर वहां पे बकाया है और बकाया हो जाएगा, लेकिन वो आदमी देश हित के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा, अन्यथा वो भी कह देता कि हमारा क्या मतलब, हम तो धंधा कर रहे हैं हमें चलने दो, लेकिन वहां पर अडानी की जो बिजली जा रही है तो अडानी रोक दिया। मेरे ख्याल से अब जो आगे उसका प्लान है कि हम पूरी ठप कर देंगे, देख जाहिर सी बात है जब वो सप्लाई ठप करेंगे तो उनकी पूरी रकम जो वहां फंसी हुई है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐसे भिखमंगी है हालत में वो आ चुका है। आपको बताऊं मनीष जी कि बांग्लादेश जिस दिन शेख हसीना वहां से हटी है 5 अगस्त को, उस दिन बांग्लादेश की जो फॉरेन एक्सचेंज की उनका स्टॉक था वो करीब करीब 25 बिलियन डॉलर था, और अब आज की तारीख ये बताया जा रहा है कि आज की तारीख में घटकर वो 10 बिलियन डॉलर पे आ गया, 10 पे आ गया है, यानी अगले 1-2 महीने और हुए तो उसके बाद वो फकीरी पाकिस्तान की तरह लेके कटोरा घूमेगा। और बैंकों की स्थिति हम लोग बता चुके कि बैंक वहां पे आदमी पैसा निकालने जा रहा है उसको पैसा वो नहीं दे रहे, बैंकों से पैसा मना है, वहां सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, कपड़ा जो उनकी कपड़े वाली थी वो सब कुछ ध्वस्त हो चुका, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है उन कारणों में से एक कारण है वहां के बिजली के खत्म हो जाना। और जरा गौर करिए कि पूरी बांग्लादेश को सप्लाई जो है अडानी की कंपनी, वह झारखंड में संभवतः उनकी फैक्ट्री वो है पावर प्लांट वहां सर वो बांग्लादेश को दे रहे हैं। और इसमें एक मनीष जी बड़ा पेच है कि अगर मान लीजिए इंडिया ने बिजली देनी बंद कर दी तो बांग्लादेश कहीं और से ले भी नहीं सकता, उसका कारण हम एक बार हम लोग पहले बता चुके कि बांग्लादेश अगर आप उसकी भौगोलिक स्थिति देखिए तो वो 3 तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ, 4थी तरफ उसका समुद्र है, तो अगर हिंदुस्तान ने बिजली बंद कर दी तो कहीं से कोई ऐसा आटा दाल चावल गेहूं नहीं है कि जहाज पे लाद के तुम ले आए, और भिखारी आदमी को देगा कौन, अगर आटा दाल चावल गेहूं भी होता तो भी कोई ना देता कि तुम्हारे पास जब पैसे नहीं थे तुम इसको कहां दोगे, तो मगर ये तो अगर आपके पास पैसे भी होते तो आप इस तरह से लाद नहीं ला सकते, आपको कोई बिजली किसी को देने के लिए किसी राज्य में पहुंचाने के लिए एक पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनसे वो ट्रांसमिट होकर वहां जाती है, कोई पानी जहाज पे लटके बिजली नहीं पहुंचाई जाती, तो अमेरिका नहीं अमेरिका का बाप भी अगर आ जाए तो भी बांग्लादेश का भला नहीं होगा, वो एक तरह से गुलाम होगा बिजली के मामले में, और वो बिजली एक तरह से अडानी ही कर रहे हैं, भारत का नाम है उसमें, अडानी की कंपनी दे रही है, अडानी ने जिस तरह से उसकी अब सप्लाई रोकी है तो आने वाले दिनों में आपको और हाहाकार मचेगा, वहां की जो खबरें आ रही हैं वो एक तरह से कुछ ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश वो कर रहा है यूनुस, तो वो मनीष जी उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि जो बुझने वाला दिया होता बड़ा बहुत आखिर में बड़ा फड़फड़ा के जलता है, तो वो फड़फड़ा के इसी तरह से जल रहा है, और उसका अंतिम संस्कार मेरे ख्याल से आज चुनाव वहां अमेरिका में जो हो गए होंगे तो यह अभी चल रही होगी वोटिंग वहां पर सुबह तक,
तो वो अमेरिका में अगर ट्रंप जीत के आया तो उसका अंतिम संस्कार उसी समय हो जाएगा, क्योंकि बुड्ढा बाइडेन जो यहाँ पर रचना रच के गया है, भारत विरोधी तंत्र बना के गया है, उसकी पूरी धज्जियां उड़ जाएगी, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले ही ट्रंप बहुत कुछ कह चुका बांग्लादेश को लेकर, और ट्रंप से कम हम लोग को तो कम है, हम लोग को नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हाँ ट्रंप शायद हमको कुछ मुक्ति दिलाएगा इन राक्षसों से, और अगर ट्रंप वहां पे आया तो निश्चित तौर पर ये 19-19 साल जेल में होंगे कहीं, इनका अता पता नहीं होगा, जितने वो आतंकवादियों को उसने छोड़ रखा है वो सब जेल के अंदर होंगे, और वहां पे दोबारा हसीना लौटेगी, लेकिन तब तक आप अभी आप अनिश्चितता के दौर में हैं, और उस अनिश्चितता के दौर में कैसी मार पड़ रही है, हिंदुस्तान अभी कुछ बोल नहीं रहा मनीष जी, हिंदुस्तान ने वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार ये कर रहे थे, अनाचार में जुट गए थे, उसके खिलाफ जरूर सख्ती से बात की है, लेकिन हिंदुस्तान चुपचाप लाठी मार रहा है, और मैं उस दिन हम लोगों ने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान अब तक 60,000 करोड़ का बिजनेस जो बांग्लादेश का था उसमें सबसे बड़ा शेयर हिंदुस्तान ने ले लिया है, बाकी वियतनाम वियतनाम में पहुंच गया है, तो काम धंधा बंद और बिजली आ नहीं रही थी, उनको 21वीं सदी में बांग्लादेश को अंधेरे में जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है, और एक तरह से आधी बिजली अभी बंद की है अडानी ने, और जो खबरें हैं कि संभवतः 1 हफ्ता 10 दिन वो आदमी और इंतजार करेगा, उसके बाद कह देगा कि हम तुमको बिजली नहीं देंगे, तो उसको बिजली बेचने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी ले लेगा, या इसके अलावा और अगल बगल के देश हैं, लेकिन उसको बिजली कहीं से नहीं मिलेगी, ये मैं बता रहा हूँ कि वो पूरी तरह मोमबत्ती पे ही लौट जाएंगे, आज से 300 साल पहले जब जैसा जीवन जीते थे, तो एक अडानी के बल पर हम चुनाव बांग्लादेश को धूल चटा देंगे, लेकिन मनीष ये मेन मुद्दा है कि वो राहुल गांधी कहाँ है, नेता विपक्ष है वो, इस देश का वो इस देश का नेता विपक्ष है, 233 सीटों का ढोल पीटता है, और अपनी 99 तो ऐसी पीटता है कि 99 सीटें मान लो जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं जीता था जितनी ये जीत के लिए आया, इस तरह से पागलों की तरह नाच रहा है, और उसके साथ वाले जितने वो उससे ज्यादा पागलों की तरह नाच रहे हैं कि 99 सीटों का वो ऐसा तमाशा बना रहे हैं कि शायद जवाहरलाल नेहरू भी नहीं जीत पाया था 99 सीटें, ऐसा नाच रहे हैं, तो वो उसने आज तक उसने मनीष जी एक भी ट्वीट या एक भी बयान उसने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं दिया है, और ये वही राहुल गांधी है जो 13-14 ट्वीट ये कर चुका है गाजा के लिए और राफा के लिए, फिलिस्तीन के लिए फलाने के लिए, तो ये फिलिस्तीन के लिए मरा जा रहा है, ये गाजा के लिए इसके प्राण निकले जा रहे हैं, ये लेबनान के लिए हिजबुल्ला के लिए बड़ा इसके दिल में ज्वार भाटा उठ रहा है, लेकिन हमारे बगल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर कैसा अत्याचार हो रहा है इसको दिखाई नहीं दे रहा, इसको सुनाई नहीं दे रहा, या इसकी समझ में नहीं आ रहा, अगर इसकी समझ में नहीं आ रहा तो उसको जाके कहीं मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहिए, तो ये एक तरह से जिस अडानी को ये गाली देता है, उस अडानी की मैंने अभी आपको स्थिति बताई कि वो अकेला आदमी हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ लेगा, बांग्लादेश भीख मांगने के कगार पे अकेले अडानी पहुंचा देंगे उसको, और एक तरफ ये है जो बताता कि पूरे देश का ठेका इसी के पास है, ये आदमी इसने आज तक एक शब्द नहीं बोला है, और ना ही विरोध का, विरोध की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते किसी तरह का विरोध करता होगा, तो ये अपने आप में नंगा हो गया है पूरा आपके सामने सीन कि कौन कितने पानी में है, और कौन हमारा समर्थक है, कौन देश का समर्थक है, कौन देशवासियों का समर्थक है, और कौन दुश्मन है। सर इसमें एक और चीज है, देखिए अडानी से जुड़ा कि एक अडानी ने बांग्लादेश की तबाही कर दी, पाकिस्तान में अक्सर देखते होंगे कहा जाता है कि एक टाटा की जो संपत्ति है, एक टाटा जो है वो पाकिस्तान खरीद लेगा। कमाल की बात यह है, ये बड़ा पीड़ादायक है कि इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जो एक बड़ा हिस्सा ले गए हमारी उपजाऊ भूमि का, हमारे कल कारखानों का, लाहौर जैसा शहर उसके पास चला गया, कराची जैसा शहर चला गया उसके पास, पूरा पंजाब का जो मेन हिस्सा उसके पास चला गया, सिंध जो भारत की पहचान, उसके बाद भी वो आटा के लिए मर रहा है, और इधर ये भिखमंगी पर है, और यहां जो पाकिस्तान बनाने वाले थे यहां मौज ले रहे हैं, और हमें आज भी योगी को कहना पड़ता है कि औरंगजेब की औलाद ये पत्थरबाज, मतलब ये यहां मौज ले रहे हैं और फिर भी पत्थरबाजी है, ये कुछ भी सीखी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बर्बादी से, हमें ठीक है वहां से कुछ लेना, यहाँ के लोग कुछ सीखेंगे नहीं सीखेंगे? नहीं मनीष जी, सीखने से इनका कोई लेना देना नहीं है, सीखने से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये मार खा के सुधरते हैं, और आपको बता दूं कि जो जो आपके अरब कंट्री हैं 5-7 जिनके पास पैसा है, जिनको आप पैसे वाला देश कह सकते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, या जॉर्डन आर्डन, 2-3 और आप उसमें जोड़ लीजिए, तो ये पैसे वाले क्यों हैं, ये ठीक से क्यों चल रहे हैं,
ये वहां भी ये मार का ही शासन है। सऊदी अरब में अगर जरा सा भी तुमने उल्टा सीधा किया तो चौराहे पे खड़े करके गर्दन आज भी काटी जाती है, वहां ये सजाएं आज भी है। तो आप ये दर्शक अच्छे समझ लें कि वहां कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई हिंदू मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो पंजाबी इस तरह का कोई सेकुलरिज्म है। वहां पर 95% कह लीजिए जो पॉपुलेशन है वो तो मुसलमानों की है। तो वहां और जो बच्चे कुछ पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं, हिंदुस्तानी तो बहुत कम संख्या में ये है कोई ठीक ठाक लोग हैं। तो वहां पर चाहे सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो चाहे वो कतर हो चाहे जॉर्डन हो जितने भी देश हैं वो जरा सा बहकते हैं तो वो मुकदमेबाजी है। समझाने में विश्वास वो करते हैं, वो जानते हैं वो तो क्योंकि वो खुद ही हैं तो उनको मालूम है कि समझाने बुझाने उनको सुधारने। हमारे यहाँ एक वो बैठ के बना गया क्या बताऊं उस गांधी को मोहनदास करमचंद की अपराधी को सुधरने का मौका दो तो वो जानते हैं कि इनको सुधरने का मौका देंगे तो इससे डबल अपराधी बनेंगे। तो वहां गर्दन काट दो चोरी कर रहे हाथ काट दो इस तरह के वहां क्योंकि सजाए हैं इसलिए वो चार पांच देश वहां तरक्की कर रहे हैं। बाकी ये सुधरने वाला इस प्रजाति नहीं है। ये जब तक इनमें डंडा चलता रहेगा तब तक ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। और वहां पर क्योंकि 1947 में इन्होंने अपना विभाजन लिया अपना हिस्सा लेकर चले गए तो ये अकेले थे बौरा गए। और कभी कभी मनीष जी इंटरनल उनकी डिबेट सुनिए अगर पाकिस्तान की मतलब हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है ये यूट्यूबर घूम रहे हिंदुस्तान का ढोल बजाते हुए इनके अलावा मैं अलग से बात कर रहा हूँ। कभी उनकी जो इंटरनल वो बात करते हैं 47 से 2024 तक के हालात की जब वो बात करते हैं तो आपको सुनते ही हंसी भी आएगी और ये भी लगेगा कैसे लोग हैं कि वो बताते हैं कि लूटपाट 47 से ही शुरू हो गई थी और वहां पर कैसे किस तरह से जाली सर्टिफिकेट बने जाली जाते बन गई कौन शेख हो गया कौन तो वो एक तरह से पूरे चोर डकैतों का इलाका था। और क्योंकि सब सारे डकैत थे इसलिए वो अपने आप को इस्लामी देश तो कहता रहा लेकिन उसने इस्लामी कानून नहीं लागू किए कि हाथ काट दो पैर गर्दन काट दो पैर काट दो उसने ये नहीं किया और उसका नतीजा है कि आज वो भिखारी बना वो खड़ा है। तो इसमें गलती वो हमेशा वो देश भिखारी हो जाएगा जो इनको समझाने की कोशिश करेगा कि अपराधी को समझाना चाहिए तो ये अपराधी को समझाने में जाओगे तो खुद भिखारी हो जाओगे अपराधी पे जूता चलाओगे तो बिल्कुल ठीक रहोगे। और वो आपको सऊदी अरब भी दिखा रहा है यूएई भी दिखा रहा है उनका तो वही है तो उनको मालूम है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले सकते इनका सुधरने से कोई लेना देना नहीं ये मार खाएंगे तब ठीक रहेंगे। तो वहां मार पड़ रही है। आप अभी गौर करिए कि अभी कुछ ही महीने पहले 3,000 पाकिस्तानी एक दिन में पकड़ के वापस भेजे और बाकी वो पकड़ बता रहे कि 60-70 हजार है तो उनको भी पकड़ पकड़ के वो वापस पाकिस्तान भेज रहा है इनको वापस भेजो ये यहाँ रहने लायक नहीं है। वो उनको अपनी जेलों में बैठा कर खिला नहीं रहा और बैठा कर उनको सुधारने की कोशिश वो नहीं कर रहा। सुधारने की कोशिश इंसानों को की जाती है हैवानों को नहीं की जाती। बिल्कुल इसलिए दुनिया के कई देशों में जैसे जापान जैसे देश तो पाकिस्तान को अलाउ ही नहीं करते। ये इसलिए बताने की जरूरत है कि मैं वही कमर चीमा का एक कोई देख रहा था वीडियो कह रहा था कि मेरे बाप दादा कहा करते थे कि जितने यहाँ पर हिंदू थे वो अपनी प्रॉपर्टी करोड़ों करोड़ के सोना चांदी जो है वो जमीन में गार करके गए थे। उन्हें ये उम्मीद था कि वो लौट करके आएंगे। तो सोचिए पूरा लाहौर जो है एक गंगा जो जिनका अस्पताल है सर गंगाराम वो गंगाराम ने बसाया पूरे हाँ। मतलब जिनकी पहचान थी सब मतलब जिनका वो लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा जो आज है जिनका था वो बेचारे वहीं तबाह हो गए मार दिए गए। और यहां से जो लोग पाकिस्तान चाह रहे थे वो यहीं रह गए तबाही करने के लिए। और देखिए जो बेहतरीन हिस्सा हमारे हिस्से एक समय तो बार बार का तो मुझे लगता है इस पे तो कई शो किए जाने की जरूरत है। जब हम लोग बचपन में क्रिकेट देखते थे इमरान खान और उसको तो कहा जाता था कि भाई वहां तो ऐसे ही लोग होते हैं वहां तो सब करिश्माई होते हैं। ये देखिए 10 साल में क्या कुछ पता चल गया जब सनातन जगा। मुझे लगता है इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की बर्बाद वाली हालात हमारे यहाँ के जो राक्षसी तत्व पत्थरवाद जिनको कहते हैं योगी उनको उनको औकात में रखने के लिए जरूरी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसी ढंग से भिखमंगी के कगार पर रहे ना इनको इनको कोई असर थोड़ी पड़ना है मनीष जी इनको कोई असर नहीं पड़ना। इनको मालूम है यहाँ भीख मांग रहे जब यहाँ भीख देने खत्म हो जाएगी कहीं और जाके भीख मांगेंगे। जब भीख ही मांगना है आत्मसम्मान अपना गिरवी रख चुके हैं। और जरा दर्शक इससे समझे कि ये आदमी ये कौम जो है पूरे दुनिया में जो पकड़े जा रहे हैं भिखारी उनमें 90% पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं तो पूरी दुनिया में घूम घूम के भीख मांग रहे हैं और ये कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। इनसे यूएई या सऊदी अरब क्यों नाराज है ये जो मक्का शरीफ कहते हैं जो हरम जो इनकी बड़ी खास जगह है सबसे मुख्य जगह है मक्का के अंदर ये उस वहां पर ये अंदर जाके जेब पथरी करते पकड़े गए तो सोच लीजिए कि आदमी जहाँ
राक्षस से राक्षस आदमी भी जाता है तो कुछ ठीक हो जाता है कि हमारी पवित्र स्थान है और पवित्र नहीं मतलब हमारा सर्वोच्च स्थान है, इसके बाद दूसरा कोई स्थान नहीं, वहां पर भी अंदर जेब कट रही बाहर जेब कट रही, तो वो सऊदी अरब यूएई बौखला गए कि ये तो पूरा धो के रख देंगे क्योंकि जिसकी जेब कटती है तो चिल्लाता है, तो ये इनको पकड़ के वहां से भेजा जा रहा है, ये सुधरने वाले नहीं है, ये केवल डंडा इन पे चलेगा तभी इनका ठीक होगा, और ये हमेशा चलेगा, ये आप कल्पना करें कि हम साल दो साल डंडा चला लेंगे ठीक हो जाएंगे, ना ये जब तक रही है तब तक डंडा चलाते रहिए, बिल्कुल एकदम सीधे मिलेंगे, और जैसे ही आपने डंडा चलाना बंद किया ये तबाही की तरफ चले जाएंगे। और इसका एक उदाहरण मैं पाकिस्तान के बारे में दे दूं कि हमारे लिए तो दुश्मन है वो, जिसको कहते हैं जियाउल हक, लेकिन जियाउल हक ने वहां 8-10 साल उसने डंडा ही चला के राज किया, उसके बाद पाकिस्तान तबाह हो गया उस चक्कर में, क्योंकि उसके मरते ही फिर डंडा चलना बंद हो गया, फिर वो लूटपाट शुरू हुई, तो वो सब खा पी के उन्होंने बराबर कर दिया, और अब आज क्या तारीख तो सब लोग जानते ही हैं, तो ये केवल डंडा इनकी एक वो है इलाज, वही इनकी दवा है, वही इनकी सर्जरी है, बाकी अगर आप इनको किसी और रस्ते से सुधारने की कोशिश करने की बात करते हैं तो आप खुद धोखे में किसी ने महंगा पड़ेगा वो। बिल्कुल, और ये सब चीजें सब ये कहते हैं ना कि लोग के भाई मोदी क्या कर लेगा, यहाँ भी कोई कट्टर सनातनी भी आता ना मोदी की जगह आप योगी को आ जाना चाहिए, ये देखिए जो कुछ भी पाकिस्तान की बर्बादी भिकमंगी ये सब उसका असर 10 साल के अंदर हुआ है। बांग्लादेश को थोड़ा सा मदद किया गया तो ये बेचैन है कि हम तो अल्लाह दर्जे के भिखारी बनेंगे। अब अच्छी बात उन्होंने वजह दरबारी लिखा 2016 में जब ट्रंप जीत के दिन यूनिस का काला दिन कहा था, अगर आशा करता हूं कि ट्रंप नहीं भूले होंगे इंटरनेशनल भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश। तो देखिए ये मतलब पाकिस्तान की जो बर्बादी सर चाहे नैरेटिव बनाया हो, 2014 से पहले तो हमसे बड़ा होकर फुदकता था, हमने परमाणु बम विस्फोट किया तो उसने भी कर दिया, कोई तुमने एक किया हम तीन कर देते हैं, हमें क्रिकेट में हराता था हॉकी में हराता था, उसे लगता था कि हम तो 71 वहां तो नैरेटिव ये कि 65 का युद्ध उसी ने जीत लिया। आज भिकमंगी की स्थिति है और वो कह रहे कि हम भारत से 100 साल पीछे हैं, बांग्लादेश का तो कोई मतलब वजूद ही नहीं है फिर सामने में। तो ये मनीष जी अभी जिन्होंने कमेंट किया था उनको मैं बता दूं कि ट्रंप जीत जाएगा तो हमारी समस्या काफी हल्की हो जाएगी, हमें जरा कम ध्यान देना पड़ेगा, वो पूरा ध्यान वो दे देगा, लेकिन अगर ट्रंप हार भी जाता है वो कमला हैरिस भी जीत के आती है तो भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, इसको तब भी भीख मंगवाएंगे, एकदम निश्चिंत रहिए, कोई किसी की औकात नहीं, क्योंकि अगर आप याद करिए जिस समय ट्रंप हारा था 2020 में तो वहां तो भगवान जाने जो टेलीविजन में देखा आपने कैसे वहां बवाल हुआ अलग बात है, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जितने भारत विरोधी थे जितने मोदी विरोधी थे अगर आपको याद हो, क्योंकि हम लोग को तो अच्छे से याद है कि वो कपड़े उतार कर नंगे होके नाचे थे बाइडेन की जीत के जश्न में, और तब भी हम लोगों मनीष जी ने बोला था कि ये कुछ दिन का है, अभी अभी समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है, उसके बाद वो बुड्ढा जो है बाइडेन पीछे पीछे दौड़ा था कि हम आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, ये बड़ा फेमस हुआ था, तो वो कौन आएगा इससे, अब भारत मनमोहन सिंह वाले दौर में नहीं है कि यहाँ बैठ के मनाया जाए कि अरे फलाना जीत जाए धमाका हार जाएगा तो कैसा होगा, चाहे जो आवे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद यह है कि ट्रंप अगर आ जाएगा तो थोड़ा प्लस हो जाएगा, बस ये है कि वो अपने आप जूता चलाने लगेगा, ऐसे जूता हमको चलाना पड़ेगा, चलना तो जूता ही है बांग्लादेश पे, और यूनुस को जेल जाना है, अब वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये तय कर देगा कि अभी महीने दो महीने बाद चलेगा या फिर लंबा टलेगा, ये कमला हैरिस आ गई थोड़ा लंबा टल जाएगा।